Hello everyone. Hi everyone. Hi everyone, hello and welcome to Amul Facebook Live. My name is Hina and once again I am back with a new recipe. तो आज हम जो बनाने वाले हैं उसका जो मैंने prep किया है वो हम बनाने वाले हैं hung curd cream cheese sandwiches. ये बहुत ही tasty और different है, बहुत ही creamy है. मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसके लिए क्या क्या prep करा है. तो यहाँ मैंने ये होममेड कर्ड को तीन चार घंटे पहले उसको छन्नी में डालकर रख दिया था जैसे इसका सारा पानी निकल जाए. और यहाँ पे मेरे पास है अमूल चीज स्प्रेड, ये क्रीमी चीज स्प्रेड है. और यहाँ पर है हमारे पास सार क्रीम अमूल की. और ये है हमारे पास थोड़े इटालियन हर्ब्स, सम बेल पेपर्स, येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर. और ये है मेरे पास अमूल का फ्रेश पनीर जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है. ये है कोरिएंडर लीव्स जिसको मैंने चॉप कर लिया है. ये है ग्रीन चिली और ये है एक क्लोव ऑफ गार्लिक. तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं अपनी फिलिंग को बनाना. तो उसके लिए मैंने लिया है एक बोल. ये मैंने बोल लिया है. इस बोल में मैं सबसे पहले डालूंगी हंग कर्ड जो मैंने चार घंटे पहले रख दिया था. और इसका मैं लूंगी 3 स्पून. अगर आपके पास इतना टाइम ना हो कि आपको फटाफट बनाना है तो आप इसका सब्स्टिट्यूट ये सार क्रीम यूज कर सकते हैं अमूल की. इसका टेस्ट बिल्कुल अमूल हंग कर्ड के जैसा होता है. तो यहाँ मैं दोनों चीजें डालूंगी, मैं हंग कर्ड भी डाल रही हूँ और मैं सार क्रीम भी डाल रही हूँ. सार क्रीम ज्यादा थिक होती है तो मैं ये डाल रही हूँ. अगर हम ओवरनाइट हंग कर्ड को रखेंगे तो ये इतनी ही थिक हो जाएगी. तो दैट डिपेंड्स कि आपके पास कितना टाइम है. तो यहाँ हमने बेस में डाल दिया है हंग कर्ड और सार क्रीम. इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अमूल का क्रीमी चीज. इसमें चीजी टेस्ट देने के लिए मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच अमूल का क्रीम चीज. और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सब चीजों को ब्लेंड कर एक जैसा करना है. और इसमें फिर मैं ऐड करूंगी एक गार्लिक की पंच के लिए. मैं इसमें हाफ, ये मेरे पास 1 किलो गार्लिक है लेकिन मैं इसमें हाफ ही डालूंगी. उससे एक बहुत अच्छा गार्लिकी टेस्ट आएगा इस फिलिंग को. तो यहां मैंने हाफ ग्रेट कर लिया है इस फिलिंग में. और अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप ये ग्रीन चिलीज इसमें डाल सकते हैं. तो मैं यहाँ पर ऐड करूंगी ग्रीन चिलीज. ये मैंने इसमें ग्रीन चिली और
गार्लिक को ग्रेट कर लिया है। इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच रेड बेल पेपर, ये मैं इसी डिप में डालूंगी। यहां मैं डालती हूँ एक चम्मच रेड बेल पेपर, दो चम्मच, और दो चम्मच मैं इसमें येलो बेल पेपर डालूंगी। आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको बेबी स्पिनच मिले तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। आज मुझे नहीं मिली तो मैं नहीं डाल रही हूँ, और मैं इसमें ऐड करूंगी धनिया, फाइनली चॉप धनिया, क्योंकि मेरे पास बेबी स्पिनच नहीं है। बेबी स्पिनच अगर आपको मिले तो आप इसमें बेबी स्पिनच डालिए। और मैं इसमें ऐड करूंगी अमूल का ग्रेटेड पनीर, ये मैंने 100 ग्राम ग्रेटेड पनीर लिया है, और इसको सीजन करेंगे हम सॉल्ट पेपर और इटालियन हर्ब से। ये मेरे पास मैंने पेपर डाल दिया, ये इटालियन हर्ब है। आई जस्ट ऐड क्वार्टर स्पून ऑफ दिस इटालियन हर्ब, क्वार्टर स्पून डालूंगी, बहुत ही टेस्टी फिलिंग बनेगी हमारी। और इसमें मैं ऐड करूंगी सॉल्ट टू टेस्ट, सो सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट आप ध्यान से डालिए, ज्यादा हो सकता है क्योंकि चीज में भी सॉल्ट होता है, तो बहुत हमें ध्यान से सॉल्ट का इसमें यूज करना है। तो अब देखेंगे बहुत ही ये क्रीमी ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। इसको अगर आपको सैंडविचेस में नहीं बनाना तो आप इसको एज अ डिप भी बना सकते हैं, किसी भी चिप्स के साथ आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। अब देखेंगे कितना थिक और क्रीमी ये रेडी हुआ है। और आज मैं इसको मल्टीग्रेन ब्रेड में ग्रिल सैंडविचेस बनाऊंगी। वैसे तो यहाँ पैन को मैं गर्म कर देती हूँ, कैन यू सी हाउ थिक एंड क्रीमी इट इज। आपको चाहिए तो आप इसमें अनियन भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको वो अनियन की पंजेंसी पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं। आप कैबेज भी डाल सकते हैं, पर्पल कैबेज, ग्रीन कैबेज, अपनी मर्जी की कोई भी वेजिटेबल्स जो आपको पसंद हो वो आप इस डिप में डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने पैन गरम कर लिया है, अब मेरे पास यहाँ मल्टीग्रेन ब्रेड है, मैं इसके ऊपर इस फिलिंग को अच्छे से लगाऊंगी। एक थिक लेयर हमें इस पे लगाना है, हमें फिलिंग अच्छी तरह इसमें फिल करना है। आप देख सकते हैं मैंने कितनी सारी फिलिंग लगाई है, इसे बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा। आप इसको ओपन, इसके ऊपर चीज ग्रेट करके आप इसको ओपन भी ग्रिल कर सकते हैं। तो यहां मैं क्लोज्ड बना रही हूँ, क्लोज सैंडविचेस बना रही हूँ ग्रिल पैन में, लेकिन अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो आप इसको ओपन भी बना सकते हैं मोज़रेला चीज डालकर। तो इस फिलिंग के साथ आप बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हैं। आपको बेस मिल गया, उसके बाद आप कोई भी वेजिटेबल्स ऐड करिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, बट जो ये बेस है, अब मैं इसके ऊपर अमूल बटर स्प्रेड कर रही हूँ और इसको हम करेंगे ग्रिल। यहाँ दोनों साइड, पहले मैं एक साइड पे बटर लगा लूंगी, उसके बाद मैं इसको पैन में डालूंगी, फिर नेक्स्ट साइड भी मैं इसके बटर लगा लूंगी। ये बहुत ही अच्छे हमारे ग्रिल सैंडविचेस बनेंगे। तो यहाँ मैंने इनको ग्रिल करने पैन पर रख दिया है, ये मेरा पैन ग्रिल गरम हो गया और मैंने इसके ऊपर इसको डाल दिया। अब इसकी दूसरी साइड भी हम बटर लगाएंगे जब तक ये नीचे से ग्रिल हो रहा है।
स्पैटुला की हेल्प से इसको टर्न कर दूंगी। ये पैन गर्म नहीं हुआ है, आप देखेंगे ग्रिल मार्क्स इस पर आ गए हैं। दूसरी साइड भी हम इस पर अच्छी तरह ग्रिल मार्क्स आने तक इसको पकाएंगे। ट्रस्ट मी, ये फिलिंग बहुत ही टेस्टी है, आप लोग जरूर ट्राई करें और बताएं कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। अगर आप बर्गर्स बनाएं तो उसके अंदर भी आप इस फिलिंग को डाल सकते हैं, तब भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये एक फिलिंग है, इसको आप मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हैं। जब तक ये ग्रिल हो रहा है साइड से भी ग्रिल हो गया, अब मैं इसको एक चॉपिंग बोर्ड पर उतार लूंगी और इसको हम कट करेंगे। इंडक्शन को स्विच ऑफ कर देंगे, तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छे हमारे ग्रिल सैंडविचेस रेडी हो गए हैं। और इसको मैं कट कर दूंगी। हाय महिमा, हाय महिमा, हाय अनिधिता, हाय संगीता, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी आज की पसंद आई होगी। और इस तरीके से आप बहुत ही ब्यूटीफुल सैंडविचेस, बहुत ही टेस्टी क्रीमी यमी सैंडविचेस घर पर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आप तैयार कर सकते हैं। बस आपको थोड़े से अमूल प्रोडक्ट्स यूज करने हैं और उससे आप बिल्कुल टेस्टी और यमी सैंडविचेस बना लेंगे विद इन मिनट्स। थैंक यू संगीता। तो कौन कौन ये रेसिपी ट्राई करेगा आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ट्रस्ट मी, इसका टेस्ट बहुत ही यमी है। एक जो हमने हल्का सा गार्लिक की इसमें पंजेंट टेस्ट डाला है और जो कॉम्बिनेशंस किए हैं, हंकर्ड क्रीम चीज, इटालियन हर्ब्स, बेल पेपर्स, हाय दीप्ति, हाय ध्वनि, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप लोग ये रेसिपी बनाएंगे और ट्राई करेंगे। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय इंस्टा पेज इज हीना वलेचा। फॉलो मी ऑन फेसबुक, माय पेज इज माय क्रिएटिविटी फूड बाय हीना वलेचा। एंड थैंक यू अमूल फॉर दिस प्लेटफॉर्म।
एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. बाय बाय, गुड इवनिंग.